वेस्ट इंडीज वाले होने वाले हम, पर ऐसे किसी को रेसिज्म नहीं करता। क्यूट लगूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन अनदर ब्लॉग। सो जैसा कि आप सब लोगों को बोल ही रहते हैं कि यार कार्तिक तेरे ब्लॉग्स किधर है, ब्लॉग्स क्यों नहीं बना रहा है, तो मैं मतलब इतना ज़्यादा बिजी हो गया था कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं होता। मतलब बना तो मैं देता पर उसको एडिट करने में ऐसा लगता था कि दो तीन दिन जाता था। तो छोड़ो खैर उस बात को। तो आज है 24th ऑफ क्या है, आज कौन सा महीना चल रहा है, सेप्टेम्बर अक्टूबर ओके। सो आज है 24th ऑफ अक्टूबर और आज दिवाली है। सो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं आया हूँ अपने घर ऋषिकेश, क्योंकि दिवाली का छुट्टी था तो 7-8 दिन के लिए आया था। और अभी मेरे को फटफट जाना है वीडियो शूट के लिए, क्योंकि भैया दीपक भैया मेरा वेट कर रहे हैं अपने घर पे। तो मैं फटफट यहाँ से ट्राईपॉड वगैरह उठाकर कुछ तो, और मेरे को हम लोग कहीं अभी प्लान कर रहे हैं कहीं तो जाते हैं अच्छी सी लोकेशन पे वीडियो शूट करने। और मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं बनाया तो मेरा थोड़ा एक्सेंट अलग सा ही जा रहा है, मेरे को मालूम है। तो लेट्स गो। और ये मेरी माता श्री ने सुबह सुबह पूरी बना दी है मेरे लिए, और मैं डांस करने जा रहा हूँ, पूरी खा के जा रहा हूँ, पर चलेगा कोई नहीं, अभी तो आदत हो गई कुछ भी खाने की। हेलो। क्यों नहीं किया भाई वार। मेरी खराब स्कूटी। ओके सो गाइस, मैं लोकेशन में तो आ गया हूँ। मेरे को अभी जिससे ट्राईपॉड लेना है मैं उनको कॉल करता हूँ, फटफट बुलाता हूँ और फिर मैं निकलता हूँ यहाँ से। गाइस 5 मिनट से ऊपर तो हो चुका है, अभी तक आए नहीं है हमारे सारांश भैया। अभी आते हैं तो उनको मस्त समय फीचर करता हूँ अपने ब्लॉग में। वो देखो ये रहा वो बंदा। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी दिवाली। कैसे हो, क्लास नहीं आ रहे हो? क्लास नहीं आ रहे हो? वर्कआउट ज़्यादा हो गया क्या? ओ सही है सही है, हाँ इससे हो जाएगा यार काम। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। ये व्लॉग बना रहा भैया, पूरा हैप्पी दिवाली भैया। थोड़ा साइड में रुक के पहन लेते, कोई ट्रक वाला ठोक के चला गया तो वो तो मुझे पता है, पर ट्रक वाले का थोड़ी पता है। गाइस हम लोग का ये लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। लोकेशन तो अच्छी है पर इधर धूप इतनी कड़क पड़ रही है, और भैया का उधर वीडियो बनानी है और मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी है, और मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि यहाँ वीडियो बनेगी नहीं बनेगी, क्योंकि हम लोग के पास कोई इंसान नहीं है फ़ोन पकड़ने के लिए। हम लोग जस्ट ट्राईपॉड से बनाएंगे। हाँ इशारा कर रहे मेरे को, आता हूँ। इन लोग को थोड़ा पास होने दो मेरी स्कूटी से, तब मैं आता हूँ। डेंजरस लोग लग रहे हैं वो देखने में। मैंने देख रहे हो, सुन रहे हो, क्या शांति है इधर, यही शांति तो चाहिए थी मेरे को 4-5 महीने से। सो गाइस ना हम पे स्पीकर है और ना हमें लोकेशन ढंग का मिला है, थोड़ी यार रील्स के लिए गाने देखे जा रहे हैं अभी। सजदे की ये है लाखों। क्यूट लगना सो गाइस, काफ़ी घूमने फिरने के बाद हम लोग फाइनली एक जगह पे आए हैं जहाँ पे हम पहले ऑलरेडी आ चुके हैं, और उधर ही हम लोग सोच रहे हैं कि अब फाइनल शूट उधर ही कर दें। हाँ तो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ, ये जगह कौन सी है, ऋषिकेश वाले लोगों को तो ऑब्वियसली पता है,
पर जो मेरे बाहर के दोस्त हैं उन लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या जगह है ये। ये देख रहे हो, ये पूरा ऋषिकेश है हमारा और ये गोवा बीच है। वैसे गोवा वाला बीच नहीं है, ये सिर्फ गोवा बीच है, मतलब थोड़ा सा रेफरेंस है इसका गोवा का, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी रेत है और ये सब पूरा है पत्थर वगैरह, इसमें इसको गोवा बीच बोलते हैं। काफी मजा आया हम लोग को इधर नजारा देखने में। ये कुछ तो करना चाह रहा है, मतलब ऋषिकेश में आओ ये सब ना करो कोई पॉइंट ही नहीं है, ये सब करना पड़ता है। पर मजे हैं इधर, ऐसा नहीं है कि थकान वगैरह लग रही है, इतना पत्थर वगैरह चढ़ के भले ही मेरी सांस फूल रही थोड़ी सी, पर मजे हैं। गाइस ये मेरा सबसे खतरनाक पड़ाव देख लो, ये ऐसा कुछ है, मेरे को उधर जाना है, मेरे हाथ में फोन भी है। तो ये पूरी बेयर ग्रिल्स की ट्रेनिंग है, किसी को लेनी होगी तो मेरे को बताना, मैं देने में हेल्प करूँगा। चलो मैंने अपना सबसे कठिन पड़ाव पार कर लिया है, अभी हम जाएंगे आगे, अरे आगे और पता ना आगे। मजाक चल रहा है क्या भैया, पहुंच गए उधर, आ रहा हूँ आज मेरा पैर पे चलने वाला था। फाइनली मैं थोड़ा सा दूर ही हूँ पहुँचने के और मैं पहुँच गया, ये कैसा हुआ थोड़ा सा दूर हूँ पहुँच गया। सो गाइस दिस इज़ द व्यू एंड हम लोग इधर वीडियो बनाने वाले हैं। इधर मेडिटेशन चल रहा है गाइस, इधर आके आप राफ्टिंग भी कर सकते हो, ये लोग मस्त राफ्टिंग कर रहे हैं, मर्जी से नहा नहीं सकते। हम इधर नहाने में थोड़ा रिस्क है, कभी भी आओ तो तमीज से नहाओ, बस थोड़ा तमीज से रहोगे तो आपके लिए फायदा है गाइस। स्विमिंग पूल नहीं समझना, हाँ इसको स्विमिंग पूल नहीं समझने का बिल्कुल भी। वो तो चलो तब भी ठीक है, हम लोग अभी कितने टेक हो गए हमारे क्या एक टेक बनाने वाले थे, 55 टेक हो गए वो मतलब हम लोग का डांस ही हो रहा है, पर इधर की जो रेत है ना, ये रेत बार बार आके दिमाग ख़राब कर रही है कि यार इधर नहीं बनाना तुम लोग को, वेस्ट इंडीज वाले होने वाले हम, पर ऐसे किसी को रेसिज्म नहीं करता। ओके सो गाइस फाइनली हम लोग का जो वीडियो शूट था वो हो गया है कम्प्लीट, और लाइक हाँ कवर फोटो भी ले लेते हैं एक तो, और मतलब हालत ख़राब हो गया यार, नहीं नहीं नॉर्मल दंगे बाम में खींचते ना तो कवर फोटो लगेगा अभी। चलो अभी हम लोग जो है कवर फोटो लेते हैं, और कैसा रहा एक्सपीरियंस मतलब। सो गाइस हम लोग का वीडियो शूट हो चुका है और एक्स्ट्रा जो भी हम लोग ने शॉर्ट्स वगैरह लेने थे वो भी हो गया है, और अभी मम्मी और अभी भैया गिरने वाले थे, मैं यही बोलने वाला था। अभी सीधा हम लोग निकलते हैं घर के लिए और मैं डायरेक्ट आप लोग को शाम को मिलूँगा। देखो जैसे भैया जा रहे, और बाकी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग दिन था। अभी शाम का दिन देखते हैं कैसा जाता है, और क्या वीडियो कुछ शाम को भी मेरे को कुछ वीडियो शूट करना है तो वो भी देखते हैं। और फिलहाल मैं दोबारा बन गया हूँ बेयर ग्रिल्स एंड क्या वो रास्ता बोल गया क्या इसके ऊपर से, हाँ ऊपर नीचे से, अरे बाप रे आप तो खतरनाक ही जा रहे हो खिलाड़ी। एक तो ये काला चश्मा पहन के कुछ दिखता नहीं है। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी ऋषिकेश है, मतलब मैं सोच रहा हूँ अभी इस पत्थर पे जाऊँ तो मुझे लग रहा है कि वो कहीं गिर ना जाए, इसे मैं ऊपर से जाता हूँ। तो डायरेक्टली मैं आपको मिलता हूँ अपने घर पे, तब तक के लिए बाय बाय, देन फिर हम बात करेंगे कि शाम को क्या करना है, दोस्तों से मिलना है नहीं मिलना है जो भी है। चलो बाय बाय। चलो बाय बाय, बहुत मज़ा आया वीडियो वॉच करके शूट करके। हे गाइस सो मैं घर आ चुका था शाम के टाइम, और अभी फिलहाल तैयार भी हो चुका हूँ दिवाली के लिए, और थोड़ा पूजा वगैरह होनी है आज। मैं सोचा हुआ थोड़ा कि बाहर जाके थोड़ा वीडियोज़ वगैरह बना लूँ, पर अभी देखते हैं जा पाता हूँ बाहर नहीं जा पाता हूँ,
और मेरे को मतलब वहाँ से जब हम लोग का शूट ख़त्म हो गया तो इतनी भयंकर नींद आई। फिर मैं थोड़ा आया फ्रेश वगैरह वगैरह नहा धो के, थोड़ी देर जैसे लेटा वो आ गया, अंकुर भाई आ गया जो कि हर ब्लॉग में आता ही है। तो थोड़ी देर आया बैठा, तब तक मैं रेडी हो गया। फिर मैं सोचा चलो थोड़ा गंगा जी होके आते हैं, थोड़ा वॉक कर लेंगे, पर अभी वो अपने गाड़ी रखने गया है तो पैदल जाएंगे हम लोग। सो वही है, और अभी जो भी रहता है शाम के टाइम पे जो हम करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ, और बने रहिए। इधर आईफोन 13 का कैमरा दिखाई कार्तिक जरा। सो गाइस अभी हम लोग का वीडियो बन चुका है, मतलब मेरा वीडियो बन चुका है, और सुबह जो हमने बनाया था वो तो थोड़ा फ्लॉप सा हो गया है, तो अभी हम लोग दोबारा बनाने आए कुछ नया वीडियो, और होपफुली मैं इसको अभी डाल दूंगा। तो फिलहाल अभी घर चलते हैं, थोड़ा पूजा वूजा निपटाते हैं, एंड हम थोड़ा घूमने जाएंगे फिर दोस्तों वगैरह के साथ, या कहीं तो जाएंगे। पटाखे फूटने से आज आज है फिर कुछ नहीं है। कुची कुची कु गाइस अभी थोड़ा सा हम लोग के यहाँ पूजा हो रहा है जो कि रिचुअल है और हमेशा होता ही है, तो जल्दी से उनको देखने पड़ता है। हैप्पी दिवाली। ये एक दो तीन फोड़ना या पटाखे मजा आएगा। फूसे क्या ये तेज पड़ेगा क्या? अरे माँ का तो एकदम एक दो तीन पहले से किधर से लेके आई ये माल? सस्ता माल। कोई नहीं, और क्या हाल है भाई? बढ़िया कमजोर तो हुई है। तो गाइस हम लोग के बाहर खड़े हैं और हम लोग यहाँ चुपके से घर में घुस गए मिठाई खाने के लिए, क्योंकि मिठाई इज माय फेवरेट, और ये बेचारी और चीज़ें हमारी ला रही है। थैंक यू। ये क्या है? ये मैंने कभी खाया है? किधर तो खाया है? नहीं सुबह मैं क्या खाया? हाँ तूने नहीं बनाया ना। तो गाइस देख लो हम लोग की बदतमीजी, हम लोग की तो सारे दोस्त आ गए, वो बाहर खड़े हो गए और हम लोग चुपके से घुस गए। ये नाचो थे क्या? नहीं, सिंपल। कहाँ से? जी? जाने? यार। तो हम लोग की दिवाली लाइक खत्म हो चुकी है, एंड एट द एंड हम लोग आए हैं टिक्की खाने, वो इधर किधर बनती है टिक्की हमारी, और बस मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था आज का डे, जैसे कि आपने देखा है सुबह मैं भागा वीडियो बनाने, और जो वीडियो बनी भी नहीं है, मतलब एडिशनल वीडियो बनी है हम लोग की, पर जो एक्स्ट्रा वीडियो जो मेन वीडियो था वो नहीं बन पाया। और उसके बाद मेरा एक वीडियो शाम को मैं बना लिया अंकुर भाई की बदौलत, थैंक यू अंकुर भाई। तो अभी बन गया वीडियो, मैंने अपलोड भी कर दिया है, एंड बंटी की आ गई है, बंटी की खा ली मैंने, बाकी बातें तो हम कर ही लेंगे। थैंक यू बड़ी। ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर द डे, और काफ़ी मज़ा आया आज,
अच्छा रहा, दिवाली भी अच्छी रही, काफ़ी मैं दोस्तों से मिला, तो सब दोस्तों से और सब लोगों से मैं नहीं मिल पाया, पर कोई नहीं, अभी मैं 2-3 दिन और इश्यूज में हूँ तो सभी से मिलूँगा और काफ़ी मज़ा आया। बाकी इस ब्लॉग को इतने लगते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, बाय बाय।